तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कंक्रीट क्या होता है, यह किन किन जो है अवयवों से इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, किन किन अवयवों से मिलकर बना हुआ है, कहां पर यूज होता है और इस समय प्रेजेंट टाइम में मोस्टली जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे हैं उनमें कंक्रीट का ही यूज हो रहा है। 100% कंक्रीट का यूज हो रहा है। बिना विदाउट कंक्रीट के स्ट्रक्चर संभव नहीं है इस ज़माने में। बिना कंक्रीट के कोई भी स्ट्रक्चर नहीं संभव है, क्योंकि कंक्रीट ही एक ऐसा पदार्थ है जिसकी वजह से जो है इतने ज़्यादा जो भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, भारी स्ट्रक्चर्स जो भी हैं, हैवी स्ट्रक्चर जो भी हैं, सब इतने ज़्यादा जो स्ट्रेंथ गेन कर पा रहे हैं। नहीं तो इतने हैवी हैवी जो है बिल्डिंग जो बन रहे हैं, स्ट्रक्चरल वर्क जितने भी हो रहे हैं सब संभव हो पा रहे हैं। तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। फुल वीडियो आपको एकदम लास्ट तक देखना होगा, पूरा समझ में आएगा आपको कंक्रीट के बारे में, एकदम एक एक पॉइंट बारे में आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले जानते हैं कंक्रीट क्या होता है। तो कंक्रीट दोस्तों क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर तथा ब्लेंडर को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर जिस होमोजीनियस मिक्सचर का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं। यानी कंक्रीट क्या है, कंक्रीट मोटा मिला हुआ जैसे मोटी गिट्टी, उसके बाद फाइन एग्रीगेट आपका सैंड हो गया, बालू हो गया, वाटर हो गया, उसके बाद ब्लेंडर यानी सीमेंट। सीमेंट अभी ब्लेंडर के रूप में आप सीमेंट सबसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं। पिछले ज़माने में चूने का यूज करते थे, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है, अब क्योंकि अब सीमेंट एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीमेंट काफ़ी ज़्यादा इसकी क्वालिटी अच्छी है, अच्छी बाइंडिंग इसका है, तो इसलिए सीमेंट ज़्यादा और इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी आती है, इसलिए सीमेंट ही यूज हो रहा है। तो दोस्तों सीमेंट, बालू, गिट्टी और वाटर और एडमिक्चर, इन चारों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने के बाद जो होमोजेनियस यानी समांगी मिश्रण का निर्माण होता है उसी को क्या बोलते हैं, कंक्रीट कहते हैं। कंक्रीट के जो ऑपरेशंस हैं, कंक्रीट के कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जिससे जो है कंक्रीट का जो है निर्माण होता है, तो ऑपरेशंस मतलब इसकी संक्रियाएँ कौन कौन सी हैं। अगर हम कंक्रीट का जो है निर्माण कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से मटेरियल्स आ रहे हैं, उसमें कौन कौन सी क्रियाएँ हो रही हैं, क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब के अंतर्गत क्या आपका आता है, कंक्रीट ऑपरेशंस आते हैं। ऑपरेशन में आपका है स्टोरिंग है, बैचिंग है, मिक्सिंग है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, फॉर्म वर्क है, प्लेसिंग है, कॉम्पैक्शन है, सरफेस फिनिशिंग, क्यूरिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डेंड कंक्रीट, यानी ये सब क्या है, संक्रियाएँ हैं। सबसे पहले आप स्टोरिंग में जाएंगे। स्टोरिंग मतलब कि जो भी आप इसमें मटेरियल यूज कर रहे हैं, गिट्टी, बालू, सीमेंट, वाटर, इन सबको एक ऐसे स्थान पर स्टोर करना है ताकि आसानी से हम वहाँ से रिप्लेस करके उसको कंक्रीट जहाँ भी रेडी हो रहा है वहाँ पर पहुँचा सकें। और बैचिंग है, जो भी आप मटेरियल है इनका एक बैचिंग जो है करवाएँ, उसके बाद मिक्स करवाएँ, उसके बाद फ्रेश जो कंक्रीट बन रहा है उसके क्या क्या गुण हैं, और कंक्रीट को ट्रांसपोर्टेशन यानी कहीं दूसरी जगह ढालना है तो उसको कैसे ले जाएंगे, और उसका फॉर्म वर्क क्या रेडी करवाएंगे जिसमें उसको ढालना है, फॉर्म वर्क करना होगा। अब उस फॉर्म वर्क में क्या करेंगे, इसको प्लेसिंग करवाएंगे यानी उसका जो ढलाई करवाएंगे, उसके बाद उसमें क्या वाइब्रेटर चलवाएंगे कॉम्पैक्टिंग करने के लिए, उसके बाद उसका सरफेस जो आता है उसको फिनिशिंग करवाएंगे, तब उसके बाद उसको क्यूरिंग यानी तराई कराएंगे। जब तराई हो जाएगा उसके बाद जब वो सेट हो जाएगा, स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, तब उसके बाद प्रॉपर्टी या हार्डनेड यानी हार्ड जो कंक्रीट हो गया है उसकी जो है क्या क्या गुण हैं उसके बारे में नॉलेज होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं स्टोरिंग में। स्टोरिंग में सबसे पहले क्या करते हैं, वाटर को कैसे स्टोर किया जाता है, वाटर टैंकर में स्टोर करते हैं, और जो गिट्टी आपका स्टोर होगा वह ग्रीगोट को अलग अलग साइज़ के अनुसार अलग अलग चट्टों में समलंबाकार शेप में रखते हैं जिसकी ऊँचाई 1.5 मीटर रखते हैं। यानी जब भी आप जो है ग्रेवल गिट्टी का यूज स्टोरिंग कर रहे हैं, कहीं भी अगर रख रहे हैं तो उसको क्या समलंबाकार में यानी इस तरह जो है रखेंगे, और इसका हाइट जो है 1.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, 1.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद सीमेंट कैसे स्टोर करेंगे, सीमेंट की स्टोरिंग के लिए भंडारण का निर्माण डिज़ाइन किया जाता है, यानी सीमेंट स्टोर बनाए जाते हैं। अब जो स्पेसिफिकेशन है गोदाम का, जो सीमेंट रखा जाता है जिस गोदाम में, उसकी क्या विशेषताएँ होनी चाहिए, इन सब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक सीमेंट बैग के ऊपर 10 से 15 बोरी सीमेंट रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। सीमेंट बैग को दीवार से 30 सेंटीमीटर यानी 1 फीट दूर रखना चाहिए। यदि सीमेंट बैग को 2 चट्टों में रखना है तो उसके बीच की दूरी 1.2 मीटर रखना ही चाहिए, उस गैप उसमें होना चाहिए। चट्टे के ऊपर सीलिंग हाइट सामान्यतः 1 मीटर रखते हैं। ग्राउंड लेवल से गोडाउन के फ्लोर की ऊंचाई 40 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं, यानी चट्टा जो लगा रहे हैं ऊपर जो छत का सीलिंग बच रहा है उसका हाइट
एक मीटर कम से कम छूटना चाहिए एकदम फुल, उसको कभी नहीं भरना चाहिए, क्योंकि जब उस पर सूर्य का प्रकाश छत पड़ेगा तो गर्म होगा, गर्म होगा तो सीमेंट की क्वालिटी पर फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद ग्राउंड लेवल, जहाँ भी आप इसका डिज़ाइन करवा रहे हैं गोडाउन का, वो आपका जो फ्लोर उसका हो, उसका जो है भूमितल से, यानी जो वहाँ का ग्राउंड लेवल है उससे कम से कम 40 से 50 सेंटीमीटर अप होना चाहिए, ताकि उसमें किस बाहरी वाटर नहीं घुस सके, पानी नहीं घुस सके, ताकि सुरक्षित रहे सीमेंट आपका। दूसरा आपका आता है बैचिंग। बैचिंग कंक्रीट के इंग्रेडिएंट को निश्चित अनुपात में मापने के लिए क्या कहते हैं, बैचिंग कहते हैं, यानी जो भी गिट्टी बालू सीमेंट ले रहे हैं उसको एक निश्चित अनुपात में, यानी कितना कितना मिलाना है, इन सब का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, बैचिंग कहलाता है। बैचिंग आप दो तरीके से कर सकते हैं, पहला है आपका वॉल्यूम बैचिंग और वेट बैचिंग। वॉल्यूम यानी आयतन के अनुसार इसमें लिया जाएगा गिट्टी बालू सीमेंट को, और वेट बैचिंग में भार के अनुसार लिया जाएगा। तो दोस्तों वॉल्यूम बैचिंग में कैसे करते हैं इसको, वॉल्यूम बैचिंग के लिए तो वॉल्यूम बैचिंग के लिए दोस्तों कंक्रीट के इंग्रेडिएंट को वॉल्यूम के आधार पर लेते हैं, वाटर को आयतन अथवा वेट में ले सकते हैं। एक लीटर वाटर आपका एक केजी के बराबर होगा। सीमेंट को आयतन के अनुसार नहीं मापते हैं, क्योंकि सीमेंट की डेंसिटी बहुत अधिक वेरिएबल होती है, यानी अगर सीमेंट को आप ज़्यादा डाब के भरेंगे तो ज़्यादा आएगा, और लूज रखेंगे तो जो है कम आएगा। इस वजह से इसको हमेशा वेट में लेते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए ज़्यादा बढ़िया से भर दिए तो ज़्यादा हो जाएगा, लूज रख दिए तो कम हो जाएगा, इसलिए इसको हमेशा जो है वेट से लेते हैं सीमेंट। सीमेंट को सदैव वेट के अनुसार मापते हैं। एग्रीगेट को वेट तथा आयतन दोनों के अनुसार मापा जा सकता है। एग्रीगेट का वेट के अनुसार बैचिंग शुद्ध होता है, परंतु वॉल्यूम के आधार पर बैचिंग आसान नहीं होता है। जब भी आप कंक्रीट का आप बैचिंग कर रहे हैं तो इसमें जो है वॉल्यूम बैचिंग जो होता है ये तो सरल होता है, लेकिन बढ़िया कौन होता है, वेट बैचिंग सबसे परफेक्ट होता है, इसी के अनुसार ही ज़्यादातर ढलाई होती है। एग्रीगेट को आयतन के अनुसार गेज बॉक्स की सहायता से मापते हैं। आयतन का जो भी आयतन हम किस कैसे मापेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं गेज बॉक्स, जिसका साइज 27x27x28 सेंटीमीटर या 30x30x39 सेंटीमीटर होता है, जो आपका करीब 1 MQ के बराबर आएगा। गेज बॉक्स का आयतन लगभग एक बोरी सीमेंट के आयतन के बराबर होता है, यानी जो ये आपका वेट पैचिंग का ये बन रहा है आयतन का बॉक्स बन रहा है वो कितना होगा, करीब एक बोरी सीमेंट का मसाला वो आसानी से उससे बन जाएगा। अब वेट बैचिंग क्या है, वेट बैचिंग इस प्रकार के बैचिंग में कंक्रीट के इंग्रेडिएंट को वेट के अनुसार लेते हैं, यानी अगर इस प्रकार इस बैचिंग में आपको क्या करेंगे, मटेरियल वेट के अनुसार लेते हैं। वेट करने के लिए अलग अलग बैलेंस का यूज कर सकते हैं, आप कोई भी बैलेंस यानी जो भी मापक तौलने वाला जो भी इंस्ट्रूमेंट हो इसका यूज कर सकते हैं। अब कुछ नोट इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के तौर पर, सीमेंट की बैचिंग के समय उपकरण की एक्यूरेसी +-2%, जबकि वाटर तथा एग्रीगेट के लिए +-3 होना चाहिए, यानी अगर आप सीमेंट को माप रहे हैं तो वो +-2% इधर उधर या तो कम हो सकता है या तो ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा चलेबुल नहीं है यानी, और अगर एग्रीगेट ले रहे हैं वाटर ले रहे हैं तो वो +-3% इधर उधर हो सकता है, यानी 3% कम हो सकता है या 3% ज़्यादा हो सकता है, इसके इधर उधर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। एडमिक्चर के लिए इसकी एक्यूरेसी कितना लेंगे, 5% +-5, यानी 5% ज़्यादा या 5% कम हो सकता है। तीसरा पॉइंट आपका है संक्रिया में मिक्सिंग कैसे करते हैं। कंक्रीट इंग्रेडिएंट को आपस में मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, मिक्सिंग कहते हैं, यानी जो आपके कंक्रीट के मटेरियल्स हैं जिनसे इनका निर्माण हो रहा है उनको एक निश्चित अनुपात मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, मिक्सिंग। इसमें आप हैंड मिक्सिंग कर सकते हैं और मशीन द्वारा। हैंड मिक्सिंग में प्रॉपर मिक्सिंग न होने की वजह से सीमेंट की मात्रा 10% एक्स्ट्रा मिलाते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम के SSC के और भी जो भी एग्जाम हो रहे हैं उन सब में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। हैंड मिक्सिंग जब भी करते हैं तो आप उसमें 10% सीमेंट एक्स्ट्रा मिलाते हैं, क्योंकि यह प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाता है। अब हैंड मिक्सिंग प्लेटफॉर्म आपका 2x3 मीटर अथवा 2.5x3.5 का होना चाहिए, और इसके किनारों पर उपयुक्त कर्व तथा लगने चाहिए ताकि मिलाते समय सामग्री बाहर निकले, यानी आपका साइज 2x3 या 2.5x3.5 होना चाहिए, लेकिन किनारे उस पर उसके कर्व लगा होना चाहिए ताकि मटेरियल बाहर नहीं जाए। पहले प्लेटफॉर्म पर बालू फैला दी जाती है, फिर उसके ऊपर सीमेंट फैला दी जाती है, यानी जब भी प्लेटफॉर्म बनाएं तो पहले उसके ऊपर बालू डाल के उसको एक लेवल में कर लें, उसके बाद उस पर जो है मटेरियल को मिलाएं और फावड़े द्वारा सूखी अच्छी तरह मिला दें। सीमेंट सैंड की मिश्रण परत पर गिट्टी मोटा मिलाव फैला दिया जाता है, कम से कम 3 बार इस ढेर को उल्टा करके फैलाया जाता है। ढेर के मध्य में एक गड्ढा बनाकर उसमें पानी की कुल निर्धारित मात्रा आधे से 3/3 भाग तक भर दिया जाता है। तो क्या कह रहा है दोस्तों,
सीमेंट सैंड की मिश्रित परत पर पहले सीमेंट और बालू को मिला लेते हैं, उस फिर उसके बाद गिट्टी यानी मोटा मिलावा फैला दिया जाता है। फिर कम से कम 3 बार ढेर को क्या करते हैं, उलट पलट कर मिलाया जाता है। अब ढेर के मध्य में गड्ढा बनाकर उसकी गहराई का 1/3 यानी 1/3 भाग तक पानी भर दिया जाता है। इस ढेर को 5 बार पूरी तरह से उलट पलट कर फिर से मिलाया जाता है। अब मैकेनिकली या मशीनिंग मिक्सिंग कैसे करते हैं, तो कंक्रीट बनाने के लिए जब मशीन का प्रयोग किया जाता है तो उसे मशीन मिक्सिंग कहते हैं। मिक्सरण के लिए जो मशीन काम में लाई जाती है उसे कंक्रीट मिक्सर कहते हैं। इसमें मुख्य ड्रम होता है जिसके भीतर ब्लेड लगे होते हैं। यह ड्रम तिरछी पिशियों में घूमता है, जैसे आपका एजेक्स हो गया, एजेक्स फ्लोरी, ये सब की यही सब आपको क्या है, मशीन मिक्सिंग इंस्ट्रूमेंट है। ड्रम को 2 से 3 मिनट तक घुमाना पर्याप्त है। फिर ड्रम को नीचे लिटा करके तैयार कंक्रीट को निकाल लेते हैं, जो अभी के समय में चल रहा है। अब टाइप ऑफ मशीन कौन कौन से, टिल्टिल मिक्सर है, नॉन टिल्टिल मिक्सर है, उसके बाद रिवर्सिबल ड्रम मिक्सर है, पान टाइप स्टीरिंग मिक्सर। अब प्रॉपर्टीज, अब आपके फ्रेश कंक्रीट, ये आपकी वर्कबिलिटी हो गया, यानी फ्रेश कंक्रीट के जितने भी आपके प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम अगले क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो 1% अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको कोई अगर मिस्टेक हो रहा है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।